जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हिंदी साहित्य में अपन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का अध्ययन कर रहे हैं, तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय अगर आप परचेस करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो मात्र 299 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 4700 इसमें प्रश्न दिए गए हैं और ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर। इस ऐप की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड कर लें और जो भी परचेस करना चाहते हैं वह परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आलाखंड की रचनाकार कौन मानी जाती हैं, बताइएगा। कई बार अपन ने ये क्वेश्चन पढ़ा है और सरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आलाखंड की रचनाकार मानी जाते हैं खुमान या फिर जगनेक या फिर चंदबरदाई या फिर विद्यापति। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, सही राइट आंसर क्या होगा बताइए। और नीतू जी, आरुषि जी, शिल्पा जी, बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है अनिल जी। ये जगनिक की रचना मानी जाती है, विकल्प बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। जगनिक जी की रचना मानी जाती है आलाखंड, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा, निम्नलिखित में से एक रचना हरिवंश राय बच्चन की है, वह बच्चन जी की रचना आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है। विधुल्यता है, मधुशाला है, विपत्तगा है या फिर विपन्यता है। सुनीत जी क्या होगा सही राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसरों का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है कि ये जो मधुशाला रचना मानी जाती है, मधुशाला ये रचना मानी जाती है किन की, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुनाहों का देवता के लेखक कौन माने जाते हैं, 53वां क्वेश्चन है और 53 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुनाहों का देवता के रचनाकार माने जाते हैं कौन माने जाते हैं, शमशेर बहादुर से हैं, अमरकांत हैं, शेखर हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं। तो 53 का संजू जी, कल्पना जी सही राइट आंसर यहाँ पर होगा कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही डी राइट आंसर लगा दीजिएगा 53 में, यानी कि धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता कहाँ पर जाता है, धर्म की शरण में जाता है, तो जो है धर्मवीर भारती आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। जायसी ग्रंथावली के संपादन करता कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में सभी लोग सही राइट आंसर बताएंगे, बताइए। श्याम सुंदर दास हैं, माता प्रसाद गुप्त हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या डॉक्टर नगेंद्र हैं। जायसी ग्रंथावली के संपादन करता पूछा है आपसे और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा नेहा तिवारी जी, क्वेश्चन नंबर 54 में विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा लवली जी, यानी कि क्या राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल आप सभी का सही आंसर है। जायसी ग्रंथावली के संपादन करता माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने सी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है, वह उपन्यास कौन सा है, बताइएगा। रानी दुर्गावती या फिर गढ़कुंडार, मृगनयनी या फिर जय सोमनाथ। नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं पूछा है ये आपसे, आपको चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर, और बिल्कुल सही राइट आंसर है सेनी जी, यहाँ पर 55 में जो विकल्प नंबर आपका डी है वह सही राइट आंसर होगा, यानी कि रानी दुर्गावती इनका उपन्यास है, गढ़कुंडार है, मृगनयनी है, लेकिन जय सोमनाथ इनका उपन्यास नहीं माना जाता है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 56 पूछा गया है, भस्मानकुर खंड काव्य के कवि कौन माने जाते हैं, खंड काव्य माना जाता है भस्मानकुर, निमि सागर,
नागार्जुन या फिर नागानंद या फिर डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 56 है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि 56 में विकल्प नंबर जो बी है भाई, आप सभी का सही राइट आंसर होगा अभिषेक जी, यानी कि नागार्जुन जी माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। भस्मांकुर जो है भस्म हो गया, क्या नांग जो है भस्म हो गया, तो भस्म से भस्मांकुर, नांग से नागार्जुन, विकल्प नंबर आपका बी जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निराला की एक प्रमुख कविता जो लघु कलेश्वर में महाकाव्य कही जाती है वह है, वह कौन सी है, चयन कीजिएगा, तुलसीदास है, परिमल है, राम की शक्ति पूजा या सरोज स्मृति, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर यहां पर 57 में होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है मनीषा जी, यानी कि राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा ये वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है चयन किया है, उन सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा गया है कि रेडियो रूपक से तात्पर्य क्या है, बताइए। रेडियो रूपक से तात्पर्य है ध्वनि नाटक, छाया नाटक, रेडियो नाटक या फिर गीति नाट्य। 58 का सही राइट आंसर चयन करना है, चार विकल्प आपके यहां पर दिए गए हैं, क्या होगा सही राइट आंसर। रेडियो नाटक से तात्पर्य है और आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहां पर 58 में जिन्होंने चयन किया सी, उनका यहां पर सही राइट आंसर होगा। रेडियो नाटक से तात्पर्य है, रेडियो रूपक से तात्पर्य है रेडियो नाटक, आपका जो है 58 में सी आप सभी का जो है सही राइट आंसर होगा, सी वाला विकल्प तनु जी सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेमाद्री कविता के लेखक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में सभी लोग सही राइट आंसर चयन करेंगे। हेमाद्री कविता है पंत जी की, प्रसाद, निराला या फिर नवीन जी की, किनकी कविता मानी जाती है, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है और 59 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा वैष्णवी जी, उपासना जी, बिल्कुल सही। हेमाद्री, हेमाद्री ये कविता मानी जाती है, किनकी, ये मानी जाती है पंत जी की, विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 60वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एक रचना के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी नहीं है, वह रचना आपको चयन करना है, कौन सी रचना है भाई, धरती के फूल या फिर माटी हो गई सोना या फिर पाजेब या फिर दीप जले शंख बजे। तो आप सभी का सही आंसर होगा कि वह रचना जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की नहीं है वह कौन सी नहीं है, तो विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही राइट आंसर होगा, पाजेब, पाजेब आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है। ये किनकी रचना मानी जाती है पाजेब, कमेंट में बताइएगा सभी लोग, पाजेब रचना किनकी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है मुकनाथ जी, 61वां क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। हिंदी का एक साहित्यकार जिसने मेरा परिवार रचना में पशु पक्षियों को भी अपने परिवार का अंग मानकर उन पर लिखा है, किन्होंने लिखा है, ये आपके लिए बताना है, जैनेन्द्र की रचना है पाजी, बिल्कुल सही, बताइए भाई कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, जगदीश चंद्र माथुर है, महादेवी वर्मा है या फिर श्रीपति राय है। और 61 में आप सभी का सही राइट आंसर है महादेवी वर्मा, आप सभी का सही राइट आंसर होगा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, कई बार पूछा गया है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, इन्होंने मेरा परिवार एक रचना की थी जिसमें पशु पक्षियों को भी अपने परिवार का अंग माना था, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 62वां क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी के एक गद्यकार की रचना को गद्य गीत कहा जाता है वह है, वह है कौन है, दिनेश नंदिनी डालमिया है, राय कृष्ण दास है, राय बहादुर हीरा लाल है या हरि कृष्ण प्रेमी है। 62 का सभी लोग सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर बताइए। हिंदी के गद्यकार की रचना को गद्य गीत कहा जाता है वह कौन है,
तो 62 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि वह माने जाते हैं राय कृष्णदास। राय कृष्णदास आप सभी का विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछा गया है, खग कुल 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 सा बोल रहा, पंक्ति में अलंकार बताने हैं, खग कुल कुल सा बोल रहा, ये आपके लिए बताना है। बताइए कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास, उपमा या फिर यमक। ये चार विकल्प हैं, इनमें से आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। नीतू जी, गीता जी, लाइक कर लीजिएगा सभी लोग। और 63 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा। यस, इसमें अलंकार पूछा है तो यमक अलंकार आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, यमक अलंकार आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वस्त्र शब्द के पर्यायवाची निम्नलिखित हैं, इनमें से एक अशुद्ध है, वह चिन्हित कीजिएगा, यानी कि एक वस्त्र शब्द का पर्यायवाची इनमें नहीं है। कौन सा नहीं है, पट, अंबर, वसन या फिर गेह। 64 में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 64 में विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, गेह लगा दें सही राइट आंसर, यह होगा सही आंसर। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, यह होगा सही राइट आंसर, वस्त्र का पर्यायवाची नहीं माना जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में अशुद्धि है उसे चिन्हित करना है, कौन सा वाक्य में अशुद्धि है बताइएगा। अनेकों निरपराध कारागार भेजे गए, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, आधुनिक युग में श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया है, नित्य स्नान करना स्वस्थ वर्धक होता है, बताइए कौन सा वाक्य में अशुद्धि है, कौन से वाक्य में अशुद्धि है, ये आपके लिए चयन करना है 65 में, और आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा राइट आंसर, ये एक राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, अनेकों निरपराध कारागार भेजे गए, ये वाला विकल्प आपका कैसा है, इस वाक्य में जो है अशुद्धि है, विकल्प नंबर आपका ये जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर चयन क्या है, चंद्रहास हरु मम परिताप, यहाँ चंद्रहास का अर्थ आपके लिए बताना है क्या माना जाएगा, बताइएगा चंद्र ज्योत्सना है, बाण या फिर अशोक वृक्ष या फिर तलवार। चंद्रहास शब्द का अर्थ बताना यहाँ पर क्या माना जाता है, 66वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और विकल्प नंबर बहुत सारे लोग बता रहे कि डी लगा दीजिएगा सही आंसर, यानी कि तलवार माना जाता है यहाँ पर चंद्रहास का अर्थ, क्या माना जाता है, चंद्रहास का अर्थ तलवार माना जाता है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, दंपत्ति शब्द का अर्थ आपके लिए बताना है क्या माना जाता है, प्रेमी प्रेमिका, माँ बाप, पति पत्नी या फिर पिता पुत्र। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 67वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, आशा जी, राजीव जी, क्या होगा सही आंसर, अंश जी, दंपत्ति शब्द का अर्थ बताना है, सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, 67वां क्वेश्चन है, और विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, पति पत्नी, दंपत्ति शब्द का अर्थ होता है पति पत्नी, विकल्प नंबर सी जो है भाई आप सभी का सही आंसर यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, जीजी विशाल शब्द का अर्थ आपके लिए बताना है क्या माना जाता है, अविनाश जी बताइए, जीजी विशाल शब्द का अर्थ बताना है जागने की इच्छा, जाने की इच्छा, मृत्यु की कामना या फिर जीने की इच्छा। सही राइट आंसर है 68 में, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि जीने की इच्छा आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 आपसे पूछा गया है, मैं इनसे मिला रचना है, ये रचना आपसे पूछा गया है, ये रिपोर्टाज है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, साक्षात्कार है
किस विधा की रचना मानी जाती है बताइएगा। सभी लोग चयन करेंगे, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। 69वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है, और आप सभी का 69 में सही राइट आंसर है कि डी वाला विकल्प यहां पर सही आंसर होगा। एक साक्षात्कार विधा की रचना मानी जाती है, विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 70वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक को छोड़कर सभी रेडियो नाटक लेखक हैं, जो नहीं है उन्हें चिन्हित कीजिएगा। रेडियो नाटक लेखक कौन नहीं है बताइएगा। सत्येंद्र सरत हैं, चिरंजीत, उपेन्द्रनाथ अस्क या फिर वृंदावन लाल वर्मा। 70 का सही राइट आंसर चयन करना है, और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 70 में कि विकल्प नंबर जो डी वृंदावन लाल वर्मा है, ये रेडियो नाटक का नहीं माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 4 जो है भाई, आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किए हैं, तन्मय जी, मनीषा जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित प्रकारों में से एक निबंध का प्रकार नहीं है, चयन करना है। 71वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्णनात्मक या फिर भावात्मक, विचारात्मक या फिर प्रतीकात्मक। 71 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे। निम्नलिखित प्रकारों में से एक निबंध का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है आपके लिए। तो आप सभी का सही राइट आंसर 71 में विकल्प नंबर डी यानी कि प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक के निबंध का जो है प्रकार नहीं माना जाता है, बाकी के वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक ये माने जाते हैं। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 72 पूछा गया है कि निम्न नाटकों में से एक नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, वह एक नाटक आपके लिए बताना है कौन सा माना जाता है, अपन ने कई बार पढ़ा है। 72 में चयन करना है बताइए। क्या होगा राइट आंसर प्रदीप जी? और बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि सिंदूर की होली। सिंदूर की होली आप सभी का सही राइट आंसर है। सिंदूर की होली जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का एक नाटक विधा की रचना मानी जाती है, सिंदूर की होली। बिल्कुल सही, बी वाला विकल्प जो है आप सभी का सही राइट आंसर है। अनवी जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित आलोचना के प्रकारों में से एक सही नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना या फिर बिंबात्मक आलोचना। 73 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा बताइए। एक आलोचना का प्रकार इनमें से नहीं माना जाता है, सही नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है। 73 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी वाला जो है वह सही आंसर है, बिंबात्मक आलोचना। ये वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है, ये आलोचना के प्रकारों में सही नहीं है, डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया, चुंगी की उम्मीदवारी प्रहसन के लेखक कौन माने जाते हैं। 74 में सही राइट आंसर बताना है, आनंद घन है, केदारनाथ भट्ट है, बद्रीनाथ भट्ट है या मधुकर भट्ट है। चौहत्तर का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे। क्या होगा सही आंसर? चुंगी की उम्मीदवारी प्रहसन के लेखक आपके लिए बताना है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, ये प्रहसन माना जाता है, बद्रीनाथ भट्ट जी का। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है, बद्रीनाथ भट्ट, जिन्होंने सी वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 75वां क्वेश्चन है, ग्रहम गच्छति शब्द में संधि बताना है, कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है बताइएगा। बिल्कुल, तो क्या होगा सही राइट आंसर? 75वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है या फिर कोई संधि नहीं है। ताकि जी, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर 75 में विकल्प नंबर जो सी चयन किया है वह सही राइट आंसर होगा, सी यानी कि स्वर संधि आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया यहाँ पर 76वां क्वेश्चन है, 76 का सही आंसर बताइएगा सभी लोग।
कि निम्नलिखित में से एक सिद्धांत पंचशील का सिद्धांत नहीं है। पंचशील का सिद्धांत कौन सा नहीं है बताइएगा, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचार्य या फिर पौरुष। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि विकल्प नंबर यहां पर 76 में जो विकल्प नंबर दिया गया है आपका डी, वह आप सभी का सही राइट आंसर है, यानी कि पौरुष आप सभी का सही आंसर होगा। एक जो है पंचशील सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत जो नहीं है वह कौन सा, पौरुष नहीं माना जाता है। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध युगे शब्द में विभक्ति बताना है, कौन सी विभक्ति होगी इसमें। सभी लोग लाइक अवश्य कर लें वीडियो को, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे, शेयर कर दें सभी लोग, रोज अपनी ये क्लास चलती है, शेयर करते हैं सभी लोग ताकि जुड़ जाएं और भी लोग इस क्लास से। बौद्ध युगे शब्द में विभक्ति आपके लिए बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहां पर 77 में बी राइट आंसर है, सप्तमी। सप्तमी आप सभी का बी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर यहां पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर पूछा गया 78वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का आपके लिए चयन करना है बताइएगा। कृष्ण काव्य धारा में राधा माया का प्रतीक है, कृष्ण काव्य धारा में मुक्तक पद शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, कृष्ण काव्य का आधार कृष्ण जीवन की लीलाएं हैं, या कृष्ण सामान्य लौकिक पुरुष हैं। 78 में चयन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो सी है वह सही राइट आंसर होगा। कृष्ण काव्य का आधार कृष्ण लीला कृष्ण काव्य का आधार कृष्ण जीवन की लीलाएं हैं, सी वाला विकल्प आपका शिल्पा जी सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जिसे बांटा ना जा सके उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अखंडित कहते हैं, अविभाज्य कहते हैं, अवांटित कहते हैं, अकूत कहते हैं। 79 में सभी लोग चयन करेंगे और आप सभी का क्या होगा सही आंसर बताइए। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अंश जी, आवाज तो आ रही है, क्या होगा सही आंसर 79 में, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, यानी कि अविभाज्य, जिसे बांटा ना जा सके उसे एक शब्द में कहते हैं, अविभाज्य कहते हैं। अपन ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पढ़ा भी है इस क्वेश्चन को, तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। कालिदास की रचना जो रघुवंशम है ये आपके लिए बताना है, ये प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या फिर गीति काव्य है। रघुवंशम पूछा है आपसे, रघुवंशम चयन कीजिएगा क्या है सही राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कालिदास की रचना मानी जाती है रघुवंशम, कई बार पढ़ी है अपन ने और आप सभी का सही राइट आंसर है ये मानी जाती है किनकी, तो विकल्प नंबर रघुवंशम कालिदास की रचना है और ये माना जाता है, क्या माना जाता है इस रचना को, तो 80 का राइट आंसर है महाकाव्य माना जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर है, सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। तीन कौड़ी का होना मुहावरे का अर्थ आपके लिए बताना है, बर्बाद होना, बुरी तरह हार जाना, बेकार होना या फिर बिगड़ने का कार्य। 81 में सभी लोग चयन करेंगे सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, गणेश कुमार जी, प्रीति जी बताइए। 81वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है एक, उनका सही राइट आंसर होगा बर्बाद होना, बर्बाद होना आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर ए वाला जो है वह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है कि जो नाटक के सूत्र संचालन का कार्य करता है उसके लिए एक शब्द आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है।
क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही, 82 में आप सभी का जो विकल्प नंबर यहां पर सी है वह राइट आंसर है, सूत्रधार। सूत्रधार आप सभी का सही आंसर होगा। जो नाटक के सूत्र संचालन का कार्य करता है उसे सूत्रधार आप सभी का सही आंसर होगा। आलोचना शब्द का सही अर्थ आपके लिए बताना है। 83वां क्वेश्चन है, क्या होगा? बुराई करना, गुण दोषों का सम्यक विवेचन, या फिर देखना, या समझदारी ना होना, बताइए। चयन कीजिएगा सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 83 है, और 83 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर आलोचना का अर्थ बताना क्या माना जाता है। तो जिन्होंने भी चयन किया है बी, यानी कि गुण दोषों का सम्यक विवेचन, ये आलोचना का अर्थ माना जाता है। विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। यह पंक्ति किसकी मानी जाती है? पंक्ति है कबीरदास की, रहीम की, तुलसीदास की, या फिर केशव दास की। ये पंक्ति आपके लिए चयन करना है, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ पर पूछी गई है दीनानाथ जी, और आप सभी का सही राइट आंसर है राखी एटी जी। बिल्कुल, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 84 में जो राइट आंसर है वह है बी राइट आंसर होगा। रहीम जी की पंक्ति मानी जाती है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंगे। वैशाली की नगरवधु उपन्यास के लेखक कौन मानी जाते हैं? 85वां क्वेश्चन है, श्रीनिवास दास है, आचार्य चतुर्सेन है, या कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी है, या किशोरीदास वाजपेयी है? 85 का सभी लोग सही राइट आंसर चयन करेंगे। और अपन ने इसको याद भी किया था कि वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु कैसी है? चतुर है, तो चतुर से क्या हो जाएगा? चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आप सभी का विकल्प नंबर बी जो है वह यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, नामवीर जी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधि पुकार कहा है? बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर? 86 में चयन करना है घनानंद, आलम ठाकुर, या फिर मतीराम। 86 में सभी लोग चयन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। प्रियंका जी, डॉक्टर नीता जी, और आप सभी का सही राइट आंसरों का विकल्प नंबर यहाँ पर जो दिया गया है आपका एक, उनका वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा घनानंद। घनानंद आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया यहाँ पर 87वां क्वेश्चन है, कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोई, जरा मुइना भय मुआ, कुशल कहाँ ते हुए, ए दोहा किसका है? बताइए ये दोहा आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर? चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आप सभी का सही राइट आंसर यहां पर क्या होगा? और बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है आप सभी का यहाँ पर, कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोई, जरा मुइना भय मुआ, कुशल कहाँ ते हुए, यह दुआ माना जाता है किनका? 87 का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, कबीरदास आप सभी का सही आंसर है, सी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार की आलोचक माने जाते हैं? 88 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा राइट आंसर? प्रगतिवादी, शैली वैज्ञानिक, या फिर शास्त्रीय, या स्वच्छंदतावादी। 88 में चयन कीजिएगा सभी लोग। और सही राइट आंसर है 88 में विकल्प नंबर जो डी है भाई आप सभी का सही आंसर है, यानी कि स्वच्छंदतावादी। नंद दुलारी वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं किस प्रकार के? स्वच्छंदतावादी आप सभी का राइट आंसर होगा। निशा जी विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। छायावाद का पतन पुस्तक किसकी मानी जाती है? 89 में आपके लिए चयन करना है, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही, देवराज, या शांति प्रिय द्विवेदी।
नवासी का सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर यहां पर क्या होगा। और बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है, छायावाद का पतन पुस्तक किसकी मानी जाती है, नवासी में आप सभी का सी राइट आंसर होगा। सी वाला विकल्प है देवराज, आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया विकल्प सी सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है, ये आपके लिए 90 में चयन करना है, बताइएगा। मुझे चांद चाहिए, सारा आकाश, अंधेरे बंद कमरे या फिर पहला पड़ाव, क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पुष्पा जी, राखी जी और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका मानी जाती है, 90 का सही राइट आंसर होगा आप सभी का। विकल्प नंबर यहाँ पर मुझे चांद चाहिए, आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा मुझे चांद चाहिए, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया विकल्प नंबर 1 उनका यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बादलों के घेरे किसकी रचना मानी जाती है, महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर पूछी गई है, क्या होगा सही राइट आंसर सभी लोग चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है और 91 का सही राइट आंसर सभी के लिए बताना है, क्या होगा सही आंसर सभी लोग चयन कीजिएगा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बादलों के घेरे ये किसकी रचना मानी जाती है, तो विकल्प नंबर आपका जो बी है वह सही राइट आंसर है, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है चयन किया है, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया, बी वाला होगा सही राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक प्लेट मत प्लेटो का है, वह मत आपके लिए बताना है कौन सा मत है, काव्य अनुकृति है, काव्य अनुकृति की अनुकृति है, काव्य उदात्त की अभिव्यक्ति है, काव्य कल्पना की सर्जना है, 92 का राइट आंसर चयन करना है आपके लिए, क्या होगा सही राइट आंसर बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। पुतल कुमारी जी, क्या है सही राइट आंसर, एक मत प्लेटो का है और वह मत है काव्य अनुकृति की अनुकृति है, ये वाला विकल्प बी वाला जो है वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, चयन करना है, 93वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा। रामबिलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या फिर भारत भूषण अग्रवाल, 93 में सही राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर, और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा तनु जी, लवली जी और संजू जी, 93 में बताना है कि इनमें से तार सप्तक का कवि जो नहीं है वह सी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह आप सभी का सही राइट आंसर यहां पर होगा, शमशेर बहादुर सिंह राइट आंसर है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी मानी जाती है, 94वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइएगा। चार विकल्प दिए गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बताइए विजयकांत जी क्या होगा सही राइट आंसर। ज्ञान राशि के संचित कोष का ही कोष का नाम साहित्य है, ये उक्ति मानी जाती है किनकी, 94 में विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका विकल्प नंबर जो 1 है वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सभी का सही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक आलोचक अमेरिकी नई समीक्षा का है, वह आलोचक आपके लिए बताना है, 95 में वह कौन सी आलोचक है बताइएगा। लक्षिता शर्मा जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 95 है, निम्नलिखित में से एक आलोचक अमरीकी नई समीक्षा का है वह कौन है, तो 95 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है, डी वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा, डी आपका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, यानी कि क्लिंथ
ब्रुक्स आप सभी का सही राइट आंसर होगा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। 96वां क्वेश्चन है, लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर लें, शेयर कर दें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अनवी जी रोज आपकी ये क्लास होती है रात्रि में 10 बजे। और उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है, किनकी मानी जाती है कहानी, ये भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और सभी लोग बता रहे हैं कि 1915 माना जाता है इसका प्रकाशन, 1915 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर 1915 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बामन दास जो है किस उपन्यास का पात्र माने जाते हैं। 97वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर बताइएगा, चयन कीजिएगा। अनीता जी, रिया जी, सरोज जी, मनीषा जी, क्या है सही राइट आंसर। बामन दास बताने किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं और 97 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। और बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो 97 है इसमें भी राइट आंसर होगा, मेला आंचल आप सभी का सही राइट आंसर है। मेला आंचल आप सभी का सही राइट आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर चयन किया। रेणु जी का जो है ये उपन्यास जो है रचना मानी जाती है मेला आंचल। और रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं, रणधीर प्रेम मोहिनी बताइएगा, चयन करना है आप सभी के लिए, क्या होगा सही राइट आंसर। रणधीर प्रेम मोहिनी चयन कीजिएगा, महाराजा विश्वनाथ से हैं, राजा राधिका रमन प्रसाद से हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं या प्रताप नारायण मिश्र हैं। और चलपा जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर आपका 98 है राइट आंसरों का, विकल्प नंबर सी यानी कि लाला श्रीनिवास दास आप सभी का सही राइट आंसर होगा। लाला श्रीनिवास दास आप सभी लोगों ने जो है सही राइट आंसर यहां पर चयन किया है। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन माने जाते हैं, 99 में विज्ञान गीता ज्ञानेश्वर है, चैतन्य है या फिर केशव दास है, मधुसूदन सरस्वती है। विज्ञान गीता के रचनाकार सभी लोग चयन करेंगे, क्या है राइट आंसर। क्रिएटिव आर्ट्स जी चयन कीजिएगा, सुधीर वर्मा जी चयन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। चार विकल्प में से बताइए विज्ञान गीता के रचनाकार कौन माने जाते हैं। और विकल्प नंबर सी बहुत सारे लोगों ने चयन किया है, यानी कि ये केशव दास जी की रचना मानी जाती है विज्ञान गीता। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है, केशव दास। उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, क्वेश्चन नंबर 100 आपसे पूछा गया है, 100 का सभी लोग सही राइट आंसर चयन करेंगे, क्या है सही राइट आंसर 100 में बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर है कि 100 में विकल्प नंबर एक जो है वह राइट आंसर होगा, किशोरीलाल गोस्वामी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन जो किया है वह क्या, किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कालिदास की लालित योजना ये कृति किसकी मानी जाती है, 101 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। 101 में आपके लिए सही राइट आंसर बताना है, कालिदास की लालित्य योजना ये कृति किनकी मानी जाती है। और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 101 में विकल्प नंबर एक राइट आंसर है, यानी कि 101 में बताना है तो 101 में बी राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। कालिदास की लालित योजना बिल्कुल सही। निराला का देहांत किस सन में हुआ था बताइएगा, 102 में आपके लिए चयन करना है, क्या है सही राइट आंसर, 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। चयन कीजिएगा, निराला जी का देहांत जो है किस सन में हुआ था। साधना जी और पुष्पा जी, अंजलि जी सही राइट आंसर है, 102 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, 1961 में निराला जी का देहांत हुआ था, निधन हुआ था, तो बी वाला विकल्प जो है आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भाव विलास किसकी रचना मानी जाती है? 103 में आपके लिए चयन करना है। भाव विलास रचना घनानंद की है, बिहारी, देव या फिर पद्माकर, बताइए। उपासना जी, राखी जी, सरोज जी, क्या होगा? सचिन जी, सही राइट आंसर। भाव विलास रचना किनकी मानी जाती है? और 103 का सही राइट आंसर, आप सभी का सही आंसर होगा कि देव कवि, आप सभी का यहाँ पर जो है सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला जो है भाई, आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 104 आपसे पूछा गया है, बताइएगा। हेमचंद्राचार्य है या फिर कामता प्रसाद गुरु है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है या फिर किशोरी दास वाजपेयी है? बिल्कुल, और आप सभी का सही राइट आंसर है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक बताना है, सभी को पता होगा कि ये रचना जो है ये मानी जाती है किनकी। 104 में आप सभी का राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, बी राइट आंसर है, केशोरी दास वाजपेयी, आप सभी का सही राइट आंसर होगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 105 में आपके लिए पंक्ति दी गई है कि उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? मतीराम, घनानंद, केशव दास या फिर बिहारी? 105 में आपके लिए चयन करना है, उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो। पीयू जी राइट आंसर होगा, 105 में बी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर है, यानी कि बी में आपका जो यहाँ पर घनानंद दिए गए हैं भाई, आप सभी का सही राइट आंसर होगा, घनानंद जी की ये पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर दो आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो इस प्रकार के जो है आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, तो सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किए हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है शाम को रात्रि में 10 बजे और एक शाम को 4 बजे स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर होती है, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा, और 9 बजे इसी चैनल पर एक क्लास होती है, तो उससे भी सभी लोग जुड़ेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय अगर आप परचेस करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 47 इसमें प्रश्न दिए गए हैं और ऐप है हिंदी साहित्य का, इसी पर ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। साधना जी, लवली जी, तनु जी, निशा जी, उपासना जी, शिल्पा जी, रिया जी, मनीषा जी, सेनी जी, उपासना जी, तनु जी, नामवीर जी और जायद अली जी, पुतुल कुमारी जी, अनीता जी, क्रिएटिव आर्ट्स जी और अनंत कुमार जी, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजू जी, सेनी जी, पीहू जी, पिंकी जी, पायल जी, ममता जी, जायद अली जी, मुकनत जी, रिया जी, कल्पना जी, अनवी जी, प्रीति जी, पुष्पा जी और अंश जी, साधना जी, सेरनी जी, सरोज जी, रिया जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। गणेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल। निशा वर्मा जी, शिल्पा जी, इसी तरह जो है सभी लोग जुड़िएगा, लाइक अवश्य कर लीजिएगा। मनीषा गिल जी और अंश जी, अनिल जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। और सभी के लिए शुभ रात्रि। पुष्पा जी और सभी के लिए जय हिंद।